first time जब मैंने whatever I written down those first 3-4 poems in my life when I narrated them recited them to my dad so he heard them and he said so he asked me this question he's like what mood are you in when you write so I said I was just very low and I was feeling this time whatever you know upset angry whatever she's like you know it's amazing I think it runs in the family सिले फॉर अ कॉज में मेरे साथ हैं फरहान अख्तर फरहान ने बहुत अच्छे सोशल कॉज को सपोर्ट किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू वेरी मच सबसे पहले बताइए इस कॉज के बारे में और किस तरह से जुड़ना हुआ आपका वेल ये ओमरॉन का एक कॉज है जिसमें लोगों से हमने एक मांग की है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ज़्यादा रीडिंग मटीरियल है नहीं पढ़ने के लिए तो हमने सोचा कि अगर लोग अपनी आवाज़ों में कविताएं जो हैं उन्हें रिकॉर्ड करके एक हम एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकें जो वो एक्सेस कर पाएंगे तो इतना सारा जो लिटरेचर है ये जो राइटिंग्स हैं दे विल बी एबल टू शेयर इन इट विद अस एंजॉय इट लाइक वी एंजॉय इट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम कोई भी बुक जहाँ देखें हम वी कैन पिक इट अप एंड स्टार्ट रीडिंग बट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी तो इस वक्त 1700 पोएम्स जो हैं वो इकट्ठा हुई हैं इस आर्काइव में और उम्मीद तो यही है कि मतलब बहुत ही जल्द 5000 होंगी और फिर ज़्यादा ओके ब्रांड एम्बेसडर होने के अलावा क्या कंट्रीब्यूशन आपने दी हमने सुना कुछ पोयम भी आपने पढ़ी है प्रसून जोशी की जी हाँ, उसके बारे में बताइए हाँ प्रसून जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है अनफॉर्चुनेटली वो मुझे बाय हार्ट याद नहीं है लेकिन आई रेड दैट आउट इन स्टूडियो टू कॉन्ट्रीब्यूट एज द फर्स्ट पोएम इन टू दिस लाइब्रेरी तो आई न्यू योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी आस्किंग मी कैन यू नरेट द पोएम might as well warn you right now only that I don't know that by heart but it was a very beautiful poem बहुत सारे पोएम्स आए होंगे आपके पास बट उसको चूज़ करना और सिलेक्ट करना कि पर्टिकुलर यही विनर्स हैं आपके पास ये कितना इजी रहा टफ रहा ये मेरे लिए तो बहुत इजी रहा क्योंकि मैंने वो नहीं किया ओके सो देयर इज अ होल अदर टीम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फ्रॉम ओमरॉन हु आर डूइंग दिस सो आई थिंक दिस रियली द कांग्रेचुलेशंस फॉर द कंपाइलेशन शुड गो टू देम हम एक एक विनर्स को बुलाना चाहेंगे प्लीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर आप आइए गोल्डन चांस है फरहान है आपके साथ भागने का भाग में मेरे साथ थे आपने मुझे नोट नहीं किया हवन कुंड में वो डांस कर रहे थे चलिए फिर तो आप पुराने दोस्त निकले आप ये माइक लीजिए फरहान से क्या आप बात करना चाहते हैं हमारे थ्रू कुछ आपकी ख्वाहिश कुछ भी आप इनके सामने जो रखना चाहते हैं या कुछ नॉर्मल बात जो आप करना चाहते हैं मैं हमेशा से ये पूछना चाहता था जैसे जावेद साहब हैं वो हमेशा हमें पता है एक लिरिक्स से स्टैंड ही यूज्ड टू राइट उनकी बुक्स उनकी पोइट्री मैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ता हूँ ही इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी तो लाइक एज चाइल्डहुड आपको भी कभी ऐसा लगता था कि मैं बड़ा होके मतलब या बचपन से ही मैं लिखूंगा आई वॉन्ट टू बी अ लिरिसिस्ट या आपने स्टार्टिंग से सोचा था यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर और समथिंग नहीं I always felt that I'll do something in entertainment because I still like entertaining people. But I think when you're a kid, very often जो पहला एक instinct होता है ना कि वो rebellious जो एक streak होती है कि मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा जो मेरे parents करते हैं वो हमेशा एक होता है So I used to always not want to tell people what my parents do or you know that I'm from films. I used to get a little bit awkward about it. But I think it was a natural calling because that was the environment in the house and most people that we interacted with were creative people. So there was always an interest in that, but I shied away from it for a long time. मैं आपसे कुछ ना जानना चाहूँगी भले आप भाग मिल्खा भाग में नहीं थे चलिए बट आपने एक बड़ा अच्छा सा एक्शन किया हवन कुंड वाला जरा कुछ हो जाए उस सर साथ देंगे नहीं नहीं बिल्कुल ये करेंगे आपका नाम क्या है माधुरी ओके माधुरी फरहान आपके सामने है कुछ विशेष कुछ ऐसा था कि जब मिलेंगे तो कुछ कहना हो जो अब तक आप ना कह पाई हो इनके सामने कुछ इनकी जो फिल्में आपने देखी हो उस बारे में इनकी एक्टिंग के बारे में जो भी आप कहना चाहती हो आई वाज इन स्कूल एंड आई वांट टू टेल यू दैट आई वाज नॉट अलाउड टू वॉच दिल चाहता है व्हेन इट रिलीज्ड रियली या
but then all my cousins but watched. why is that? No, all my cousins watched it. Right. But generally, like, you know, why watch movies if it's like Achha, that? Oh, like that. Not just, okay. Not because it was your movie. I see. Thank you. That makes me feel much better. So, but then I sneaked up one night and then I ended up getting a DVD and then watching it. Right. And then I so loved it. It gave me a new importance for friendship in my life. And I realized how important my friends are. Okay, आपका नाम क्या है? हर्षिता. हर्षिता, तीन लोग हैं लेकिन क्लोज खड़े होने का चांस आपको मिला है. सो थोड़ा विनर वाला फीलिंग आ गया? एग्जैक्टली. इस वक्त मुझे लग रहा है हम बहुत ही क्राउडेड एलिवेटर में खड़े हैं. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. बहुत जल्द स्टॉप का बटन दबने वाला है, आप लोग निकलने वाले हैं. ओके, क्या कहना चाहेंगे फरहान से? जैसा माधुरी ने कहा था, दिल चाहता है गिव अस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप. सो कैन वी गेट अ चांस टू सी दिल चाहता है पार्ट टू? नहीं, आई डोंट थिंक सो. व्हाई इज दैट? नहीं, आई फील दैट दैट फिल्म वाज मेड एट अ टाइम इन माय लाइफ वेयर व्हाट आई वांटेड टू से आई थिंक आई जस्ट सेड इन दैट फिल्म. आई डोंट सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टोरी. बट you know, the thing is that films that have come after that, that I've done, fortunately been part of, so be it Rock On or be it Zindagi Na Milegi Dobara, you know, I feel they belong to the same world that Dil Chahta Hai belong to. Exactly. So I've never missed it. You know, I've never felt the need that let me go back and make that kind of film again. Your name is Farhan, sir. Yeah. It means euphoria in Persian. It is a Persian. Euphoria, it means? Yes, yeah. So parents have been lying to me. They told me it means happy. Happy, yes, sir. Happiness. Happy or euphoria? Mein bahut euphoria means intense happiness, sir. Achha. The thing is ki aap bahut ke zindagi mein actually sir light late ho. That you make somebody feel alive. Like aapke jo poetries and all, matlab jo bhi hai. तो आप सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मतलब कॉलेज में आपकी जो पोएट्री है जो भी है मैं मजाक कर रहा हूं. तो सर आप प्लीज कॉलेज वगैरह में खूब जाया कीजिए सर. एक्चुअली मेरे जैसा कोई कोई बहुत कोई इंस्पायर होता है सर. मैं कोशिश तो कर रहा हूं. यस सर, आपका देखा अभी इस हफ्ते भी मैं जा रहा हूं. 20th को मैं गुवाहाटी में हूंगा. यस सर, आई एम गोइंग टू अनदर कॉलेज देयर. सो आई कीप गोइंग. फरहान, तो ये थे विनर्स जिन्होंने आपसे इंटरेक्ट किया, आपने विशेस रखी. बट एक जो बड़ी चीज़ है आपके लिए और सबके लिए, आपके फैंस के लिए, भाग मिल्खा भाग बेस्ट पॉपुलर फिल्म, नेशनल अवार्ड, क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू वेरी मच. मुझे ऑफकोर्स बहुत खुशी है कि पूरी जो टीम है ये कलेक्टिव अवार्ड है पूरे फिल्म के लिए. So I'm very happy that the film has been honored at this level. Thank you so much, yeah. And all the best. And right. It's a really good thing कि आपने इसको support किया और बहुत. आप भी please कीजिएगा और बाकी जो लोग देख रहे हैं, please support this initiative. It's a very very noble cause. Thank you so much and all the best.